मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आज हम शेखर जोशी द्वारा लिखा गया गलता लोहा पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में जो समाज में जातिगत विभाजन है उसके बारे में टिप्पणी की गई है और ये कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है कि विषम परिस्थितियों में जो ब्राह्मण युवक मोहन है कैसे उसका जातियाभिमान बेमानी हो जाता है और वो सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है जो उस समय बहुत खराब समझा जाता था और वर्ण व्यवस्था को बहुत पुरजोर के साथ इस पर ध्यान दिया जाता था। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनतकश के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिताई की, अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व उपवास व्रत उपवास नहीं होता था। मोहन अपने पिता की सहायता करना चाहता था, इसलिए जब उसके पिता चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना चाहते थे लेकिन उनके जाने की तबीयत नहीं थी तो मोहन उनका आशय समझ जाता है और वो वहाँ पर अपने पिता का अनुष्ठान कर पाने में कुशल भी नहीं है, लेकिन पिता के भार को हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चल देता है और वहाँ उसकी हंसवी की धार कुंद हो चुकी थी तो उसे अपने पुराने दोस्त धनराम की याद आ गई। वे धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुँचा। ये जो पाठ है, फिर इस पाठ में जातिगत अभिमान को बहुत गहराई से उसका विश्लेषण किया गया है। धनराम उसका सहपाठी था, दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा, धनराम ने बताया कि पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे कि कैसे मोहन पढ़ाई और गायन में निपुण था, उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया था और जो धनराम था वो उसके प्रति स्नेह का आदर का भाव रखता था क्योंकि उसके मन में जातिगत जो उसकी हीनता थी वो कहीं ना कहीं गहरे बैठी थी। मोहन को वह कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। अब जब हम बातें हो रही थी तो उसे याद आया, दोनों हंसने लगे कि धनराम को तेरा का पहाड़ा कभी भी याद नहीं हुआ और इसीलिए उसकी पिटाई होती थी और मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। तो उसके मास्टर उसकी मंदबुद्धि होने के कारण कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाल कर धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेत चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई, इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था, वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी भर गया। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और उन्होंने फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। अब उसी की बिरादरी का एक संपन्न युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था तो वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वो उसको अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी भरने से कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब मानो वंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन को रमेश अपने साथ लखनऊ ले तो गया
लेकिन यहाँ से मोहन की ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। और जो मोहन के घर की महिलाएं थी, पास पड़ोस की महिलाएं थी, सबने मोहन से अपना काम कराना शुरू कर दिया और उसको घरेलू नौकर से ज़्यादा हैसियत नहीं दी गई। मोहन भी यही समझता रहा और फिर बाद में किसी सामान्य से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया गया। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण मोहन